Hello friends, myself Parisha Acharya from Silver Bell Schools, Mansarovar branch. Today I am going to teach you Standard 8 English subject, Unit Number 1, Landscape. First of all, what is the meaning of landscape? Landscape is a particular picture of city, mountain, river. It's called landscape. लैंडस्केप का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर एरिया का पिक्चर. जैसे आप ले लो कि कोई सिटी का पिक्चर हो, कोई माउंटेन का पिक्चर हो, कोई नदी का पिक्चर हो, तो उसको लैंडस्केप बोलते हैं. इन दिस यूनिट एंड एक्टिविटी नंबर 1 आप देख सकते हो कि बुक में एक पिक्चर दिया है. ये पिक्चर रेन का है, बारिश का है. इट इज ड्रॉन बाय biggest artist of Gujarat, Kanu Patel. He was born in 1966 in Anand. ये जो पिक्चर आप देख रहे हो उसमें एक बारिश का पिक्चर है. उसमें कुछ गर्ल्स स्कूल जा रही है, इतनी बारिश हो रही है, पीछे व्हीकल दिख रहा है, पीछे ट्री दिख रहा है. सो व्हाट योर वर्क, यू हैव टू सी दिस पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट इट. Now we are going to learn about activity number 2, Water Dance. This poem is written by a famous poet Thomas Lowker. ये जो picture है, ये जो हम poem पढ़ने जा रहे हैं, वो actually grammar का topic है. It's called personification. Personification मतलब क्या होता है कि कोई non-living things जब ऐसे behave करती है जैसे वो जिंदा चीज है, उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं. इस पोयम में जो वाटर है, जो पानी ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो जिंदा चीज है, और वो वाटर हमें क्या कह रहा है वो हम इस पोयम में देखेंगे. नाउ वी स्टार्ट द पोयम. सम पीपल से दैट आई एम वन थिंग, अदर से दैट आई एम मैन. एवर सीन द वर्ल्ड बिगेन, आई हैव बीन मूविंग इन एंडलेस सर्कल. समटाइम्स आई फॉल फ्रॉम द स्काई, आई एम द रेन. इसमें पानी क्या कर रहा है कि मैं कोई, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैं कोई एक चीज हूँ, और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बहुत सारी चीज हूँ. जब से ये दुनिया बनी है तब से मैं कहीं पर रुके बिना एक सर्कल की तरह मैं मूव करता रहा हूँ, और कई बार तो मैं आसमान से नीचे गिरता हूँ. तो उस टाइम पे मैं क्या बन जाता हूँ, मैं बारिश बन जाता हूँ. आगे वॉटर कहता है, Sometimes I cascade, I tumble down, down, over the moss-covered rocks, through the forest shadows. I am the mountain stream. Cascade means होता है कि पानी का ज़्यादा फोर्स होता है, उसको cascade कहते हैं. तो कई बार मैं नीचे की तरफ, बहुत सारे अमाउंट में नीचे की तरफ गिरता हूँ, टंबल होके मैं गिरता हूँ. तो उस टाइम पे जो फॉरेस्ट शेडोज होता है, जंगल में से मैं निकलता हूँ, तो मेरा फॉर्म क्या हो जाता है, माउंटेन स्ट्रीम हो जाता है. एट द फुट ऑफ द माउंटेन आई लीप फ्रॉम अ स्टोन क्लिफ, स्पाइलिंग प्लंकिंग आई एम द वॉटरफॉल. जब मैं माउंटेन के नीचे पैरों से निकलता हूँ और ऊपर से मैं नीचे गिरता हूँ, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि ये यहाँ बहुत सारे ट्रीज है और ऊपर से ये पानी नीचे गिर रहा है, तब मैं क्या बन जाता हूँ, वॉटरफॉल. तब मैं एक धूल बन जाता हूँ. इन द शेडोज ऑफ द माउंटेन आई एम स्टील एंड डीप, आई फील एंड ओवरफ्लो, आई एम द लेक. और जब भी मैं नीचे गिरता हूँ धूप के रूप में, वहां पर बहुत सारी जगह होती है, तो जब वो पानी नीचे जमीन पे गिरता है और स्लोली स्लोली वो स्टील, स्टील मतलब स्थिर हो जाना, और उसकी कैपेसिटी जब फिनिश हो जाती है तो वो ओवरफ्लो होता है, मतलब उभर के बाहर आ जाता है, तब मैं क्या बन जाता हूँ, लेक. आई एम द लेक. लेक मीन्स तालाब. तब मैं तालाब बन जाता हूँ. आई बीन थ्रू ब्रॉड गोल्डन वैलीज, जॉइंड बाय स्ट्रीम, जॉइंड बाय क्रीक्स, आई ग्रू एवर वाइडर, ब्रॉडर एंड डीपर, आई एम द रिवर. और जो वो तालाब में से छोटे छोटे झरने निकलते हैं, तो वो एक झरना, दो झरना, तीन झरने, वो जब झरने आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको क्रीक्स बोलते हैं. क्रीक्स मतलब मोर वाटर अमाउंट रादर देन द स्ट्रीम. वो क्रीक्स में वाटर का अमाउंट बढ़ जाता है,
तो जब वो क्रीक साथ में मिल जाती है तो क्या होता है, जो पानी का अमाउंट है उसकी वजह ज्यादा होने की वजह से वो ब्रॉड हो जाती है और डीप भी हो जाती है। तब उस टाइम पे मैं क्या बन जाता हूँ, मैं रिवर बन जाता हूँ, मैं नदी बन जाता हूँ। आई पास थ्रू अ गेटवे ऑफ हाई स्टोन पैलेसेस लीविंग द लैंड बिहाइंड कूल सिल्वर मूनलाइट स्पार्कल्स एंड डांसेस ऑन माय वेव्स आई एम द सी। जब मैं पैलेसेस, नाउ तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलेसेस, पैलेसेस मतलब चेन ऑफ माउंटेन, चेन ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड पैलेसेस। जब मैं चेन ऑफ माउंटेन में से निकलता हूँ लीविंग द लैंड बिहाइंड, वहां पर मैं क्या हो जाता हूँ कि मैं जमीन को बहुत ही दूर छोड़ देता हूँ और जब चंद्र की जो लाइट होती है मेरे वेव्स पर पड़ती है तब मैं जैसे मैं डांस कर रहा हूँ, मैं क्या बन जाता हूँ, समंदर बन जाता हूँ। ड्रॉन अपवर्ड्स बाय वार्म सनलाइट इन वाइट सिल्वर वेव्स आई राइज इन टू द एयर आई डिसअपीयर आई एम द मिस्ट। फिर क्या होता है कि सूरज की गर्मी से मैं ऊपर एक वार्म होके गर्म होके मैं ऊपर जाता हूँ और वहां पर थोड़ी देर वाइट सिल्वर हमें वहां पर थोड़ा वाइट जैसा दिखता है और मैं ऊपर जाके क्या हो जाता हूँ, डिसअपीयर हो जाता हूँ। मैं उस टाइम पे क्या बन जाता हूँ, मिस्ट बन जाता हूँ, एक झांकल की तरह मैं बन जाता हूँ।